इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, बिना किसी सरकारी सहायता के आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो जो था हर्ष हर्ष आप आए रखता हूं भोजन दे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई साहब, परम श्रद्धेय मुनिवर पंचासीन मुनिवर द्वय, मंत्री महोदय, माननीय पूर्व मंत्री जी, इतना सुंदर परिवार, मानव मिलन परिवार के सारे समस्त परिजन स्वजन, बागमती स्वच्छता अभियान की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे नेपाल से हमारे आदरणीय अग्रज दीक्षित साहब, डॉक्टर दीक्षित साहब भी आए हैं, श्याम पांडे जी भी आए हैं, हम सब आप सबका अभिनंदन करते हैं। हम जीते हैं प्रकृति और संस्कृति के बीच में, हमारी कायिक आयाम है, शरीर है, वो प्रकृति से बढ़ता है, और हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं है वो संस्कृति से पूरी होती है, और ये मनुष्य कृति है, प्रकृति और संस्कृति के बीच में अगर जीना नहीं जानते हैं फिर विकृति आती है। तो मनुष्य व्यवहार की विकृति फिर नदियों पे, प्रकृति पे, पर्यावरण पे, वातावरण पे, पंचतत्व पे निकल जाता है, पहुंच जाता है। एक संत से पूछा गया कि सतयुग कब आएगा, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जब अपने मूल स्वरूप में गंगा यमुना और बागमती लौट जाएगी तब फिर सतयुग आएगा। तो प्रकृति को मूल स्वरूप में लौटाने के लिए जो जैन संस्कृति ने अहिंसा का सिद्धांत दिया है वो सर्वोपरि है। मैं नमन करता हूं इस पावन भूमि को, और इस भूमि को नमन करता हूं जो हमारे नेपाल केसरी जी महाराज हैं, वो आके चतुर्मास करते हैं, जहां 3200 किताब लिखने वाले श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जन्म होता है, जहां विश्व पर्यटक को बुलाने के लिए जो ताज है, और समधर्म समभाव जिस भूमि से बाहर निकलता है, इस भूमि को नमन करते हुए हम लोग बागमती नदी पर 10 सालों से सेवा कर रहे हैं। बागमती जो बागद्वार से निकलती है और पशुपतिनाथ भगवान के पांव को पखारती हुई फिर आके गंगा में समाहित होती है। तो हम मनुष्य कृति, संस्कृति और प्रकृति दोनों को जोड़ने वाली जो बागमती जैसे गंगा और यमुना है, हम 10 साल से लगभग 10 लाख लोग उसमें स्वयं सेवा के हिसाब से लगे हुए थे। अभी तक हम लोगों ने नदी के अंदर से जो सोलिड कचरा है वो लगभग 50,000 टन से ज्यादा निकाल चुके हैं, और वहां के लोग कभी सोचते नहीं थे कि बागमती साफ हो भी ना, लेकिन अब मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं लोग, अब वहां के पानी को आचमन करने लगे हैं, वहां के शिला ऐसे कचड़े से भरे हुए थे, अभी शिला सालिग्राम जैसे लगता है। तो हम लोगों ने वहां पर किनारे पे कुछ वृक्ष भी लगाया है, बल्कि नदी को स्वच्छ करना केवल नागरिक का, जनता का और स्थानीय वासी का कार्य नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम तो सरकार का होता है, वहां के जो ढल है, सीवेज लाइन है उसको ठीक करना, जो जमीन इंक्रोचमेंट होता है उसको व्यवस्थित करना, और नदी नीति, नदी आयोग, नदी संरक्षण, नदी सुरक्षा, नदी संस्कृति को लौटाने के लिए जो भी हार्डवेयर का काम है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो कभी कभी हम यहाँ मित्रराष्ट्र भारत में भी अपने स्वच्छता अभियान के स्वयं से भी आते हैं, और यहाँ से भी वहां चले जाते हैं। तो ऐसे प्रेम को बढ़ाने के लिए, नदी प्रेम को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज इस अवसर पर जो अभिनंदन मिला है, इससे और ज्यादा जिम्मेदारी बोध हुई है, इस हेतु हम हमारे नेपाल केसरी ही नहीं, राष्ट्र संत जो भारत वर्ष के हैं, और जैन परंपरा को यमुना से लेकर बागमती तक जोड़ दिया है, पशुपतिनाथ को लेकर यहाँ ताज तक जोड़ दिया है, ऐसे और जिन्होंने पर्यावरण और अहिंसा ऐसे ही विषय पर पीएचडी किया है, ऐसे मुनिवर को मैं अभिनंदन करता हूं। तो जो अहिंसा है ये अब विश्व धर्म होना चाहिए, सिर्फ विश्व धर्म नहीं विश्व विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, और अभी रोग है, जीवन शैली जन्य समस्याएं हैं, विकृतियां हैं, समस्याएं हैं, व्याधि हैं, वो उसका मूल कारण है हिंसा। वैसे हिंसा सिर्फ कर्म से नहीं होता, हिंसा सिर्फ कर्म से नहीं होती है, हिंसा होती है
दृष्टि से भी। इसलिए मैं आप सबके लिए 5 उपहार लेके आया हूँ। वैसे जो जैन संस्कृति के अनुपालक हैं वो तो स्तुत्य है कि जो अहिंसा का सिद्धांत है वो विश्व भर फैलाने के लिए, फिर भी आप लोगों के आपके जरिए और पूरे विश्व में जो अहिंसा का सिद्धांत फैले, ये 5 टोपी है। पहला टोपी है अहिंसात्मक दृष्टिकोण, दूसरा जो पगड़ी है अहिंसात्मक सोच चिंतन, तीसरा है अहिंसात्मक आचरण, और चौथा है अहिंसात्मक भावनाएं, और जो पांचवा है अहिंसात्मक जीवन शैली। हम कई लोग गाड़ी चढ़ के अपनी गाड़ी लेके आए हैं, जरा सोचें 5 लोगों की सीट है, हम अकेले जा रहे हैं, तो जो उससे जो धुआं और एमिशंस और ताप और ऊर्जा और जो प्रदूषण निकलता है उससे प्रकृति को हिंसा होती है। इसलिए जितना कम वस्तु उपभोग करें उतना ज्यादा अहिंसा, तो इसको हम चिंतन कहते हैं। तो ऐसे ही 5 पगड़ी हम मुनिवर से, मुनिवर त्रय बैठे हैं उनसे भी इस आशीर्वाद के रूप में लेना चाहते हैं। और हम तो चित्र बदलना चाहते हैं लेकिन संतजन हमारी चरित्र बदल देते हैं। हम सिर्फ पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे संतजन मुनिजन सदाचरण की बात करते हैं। हम ज्यादातर हिंसा से प्रेरित होते हैं, हम जैसे व्यवहारिक लोग। संतजन की दृष्टि, कदम, प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, तप, तपोबल हमेशा अहिंसा के लिए होती है। हमारा हर कदम कामना से प्रेरित होता है, लेकिन हमारे संत जनों का, महावीर जनों का, बुद्ध जनों का, ऋषि जनों का, तपस्वी जनों का, शहीद जनों का, सुधारकों का जो प्रयत्न होता है वो साधना से। तो हम आप सब से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम कामना से नहीं साधना से आगे बढ़ सके। भागवती जैसी हम स्वच्छ कर रहे हैं, यमुना में भी एक जैसे आज केसरी क्लब का उद्घाटन हुआ है, आदरणीय विवेक साहब को हम अनुरोध करते हैं, यमुना स्वच्छता अभियान, हम 500 सप्ताह पहुंच चुके हैं, यमुना स्वच्छता अभियान भी 500 सप्ताह और आगे चलने का संकल्प भी ऐसे समारोह में होना चाहिए। यही प्रार्थना करते हुए फिर पशुपतिनाथ की ओर से, नेपाल वासियों की ओर से, बागमती स्वच्छता अभियान की ओर से आप सबका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार।